दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल आर के एडिटर जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 लाइट रूम मोबाइल प्रीसेट। दोस्तों आज के प्रीसेट बिल्कुल न्यू प्रीसेट होने वाले हैं, आपको ये प्रीसेट कहीं भी नहीं मिले होंगे। दोस्तों अगर आप लोग भी अपनी लाइट रूम से यूनिक एडिटिंग करना चाहते तो ये प्रीसेट आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। दोस्तों आपको लाइट रूम प्रीसेट किस तरह से डाउनलोड करना है आपको इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना होगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि आपको लाइट रूम प्रीसेट किस तरह से डाउनलोड करना है। जिप फाइल में पासवर्ड लगा हुआ है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखना। आपको पासवर्ड ऊपर साइड में आई के बटन पे 4 डिजिट का पासवर्ड दिखेगा, वही आपका जिप फाइल का पासवर्ड होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले आपको लाइट रूम प्रीसेट डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल पे आ जाना है। एंड गाइस गूगल पे आने के बाद यहाँ पर आपको आर के एडिटर जोन टाइप करना है। तो यहाँ पर अभी मैं आर के एडिटर जोन टाइप कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक वेबसाइट ओपन ना हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आर के एडिटर जोन .blogspot.com। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सो गाइस जैसे यहाँ पर आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। आप जैसे इस वाले जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी यहाँ पर नया पेज यहाँ पर पेज ओपन हो चुका है। तो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप से थंबनेल देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 5 लाइट रूम प्रीसेट। तो सिंपली आपको थोड़ा सा इसके नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करना है। एंड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो सिंपली आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आप सीधे मीडिया फायर लिंक में ओपन हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर मीडिया फायर लिंक ओपन हो गई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पर 10 MB की फाइल है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इसी वाली बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से जो आपकी फाइल है यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपकी जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर इसको अनजिप कैसे करना है चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं भी इस फाइल को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ये फाइल जो डाउनलोड है। तो अभी यहाँ पर हम लोग अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं, आपको भी अपनी फाइल को ओपन करना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने रार फाइल को ओपन कर लिया है, आप लोग भी अपने रार फाइल को ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों आपको रार फाइल स्टोर पर मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 या 2 MB की फाइल है, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप जैसे रार फाइल को डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी अपनी फाइल है अपने इसको डाउनलोड किया है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेता हूँ जो मैंने फाइल डाउनलोड की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप 5 लाइट रूम प्रीसेट। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर आपको राइट साइड में आपको ऊपर वाला तीर दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से ओके करना है। आप जैसे यहाँ से ओके करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड देना होगा। तो मैंने आपको बता दिया है, आपको पासवर्ड ऊपर आई के बटन पर दिखेगा 4 डिजिट का अलग अलग, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं एंड यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं भी पासवर्ड को डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ से भी फाइल को अनजिप कर दिया। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर टॉप 5 प्रीसेट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे प्रीसेट हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ पर भी लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं एंड वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि आपको किस तरह से अपनी फोटो पे ये प्रीसेट को पेस्ट करना है। सो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। दोस्तों आप लोग भी अपनी लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस वाली बटन पे क्लिक करना है, इसके अंदर अपने प्रीसेट एंड इसके अंदर अपनी फोटो को इंपोर्ट कर लेना है। जो भी अपनी फोटो को एडिटिंग करना चाहते हैं इसके अंदर अपनी फोटो को इंपोर्ट कर लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो हमारे यहाँ पर प्रीसेट हैं आपको यहाँ पर सारे प्रीसेट देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं भी 1 या 2 प्रीसेट को इसके अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप सारे प्रीसेट को इसके अंदर इंपोर्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ से मैं अभी 1 या 2 फोटो को इसके अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर फोटो एंड प्रीसेट को इसके अंदर सिलेक्ट कर लिया, आपको यहाँ से ऐड कर देना है। मैंने यहाँ से ऐड कर दिया, आपको यहाँ पर जाना है फोटोज वाले फोल्डर में एंड यहाँ पर अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, इंपोर्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो प्रीसेट इसके अंदर इंपोर्ट हो चुका है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो हमारी 6 फोटोज हैं सक्सेसफुल उसके अंदर इंपोर्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से किसी भी एक प्रीसेट को ओपन करना होगा। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं प्रीसेट को ओपन कर लिया है एंड आपको इसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं करनी होगी क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसके अंदर एडिटिंग करके आपको प्रीसेट दिए हुए हैं। तो आपको इसकी सेटिंग को कॉपी करना है। तो आपको इसकी सेटिंग को कॉपी करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको कर देना है कॉपी सेटिंग। जैसे आप यहाँ से कॉपी सेटिंग करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से डन करना है एंड यहाँ से आपको बैक आ जाना है। जो भी आपको फोटो एडिटिंग करना होना आपको अपनी फोटो को सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने यहाँ से भी इस फोटो को सिलेक्ट किया हुआ है एंड आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है।
तो मैंने यहाँ से पेस्ट किया हुआ है एंड हमारी फोटो में कितनी अच्छी क्वालिटी आई हुई है एंड गाइस काफी अच्छी हमारी यहाँ पर फोटो लग रही है दोस्तों। मैंने इसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं की हुई है एंड आप इसके अंदर और भी अच्छी तरह की एडिटिंग, हमारी फोटो काफी अच्छी लग रही है इसके अंदर, आप चाहें तो अपनी फोटो और भी अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको इसके अंदर एडिटिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एडिटिंग अच्छी हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पहले की फोटो आप देख सकते हैं एंड बाद की फोटो देख सकते हैं। तो यहाँ पर चलता है अभी आपको दूसरी फोटो को भी एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रीसेट का नाम है ब्लू एंड रेड प्रीसेट। तो आपको सिंपली इसकी सेटिंग को कॉपी करना होगा एंड यहाँ से आपको बैक आ जाना है। आपको यहाँ पर जो भी फोटो एडिट करना है अपनी फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको पेस्ट करना है। तो ये मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया एंड काफ़ी अच्छी फोटो लग रही है। अपनी फोटो भी आप कुछ इस टाइप की एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे तीसरे प्रीसेट को सिलेक्ट करेंगे एंड मैंने तीसरे प्रीसेट को सिलेक्ट किया है, कॉपी सेटिंग करेंगे एंड कॉपी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अपनी जो भी फोटो को एडिट करना है अपनी फोटो को सिलेक्ट करिएगा एंड यहाँ से आपको पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ से पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छी यहाँ पर फोटो लग रही है, कुछ भी एडिटिंग नहीं है इसके अंदर है। तो अगर आप लोग भी अपनी चाहें अपनी फोटो को और भी अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना एंड इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।